हे hey, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुधांशु। आप देख रहे हैं सीएस टेक। आज की इस वीडियो में आपको टॉप 5 गेम्स के बारे में बताने वाला हूँ। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं। तो जो पहली गेम है हमारी लिस्ट में, उसका नाम है जायरोस्फीयर। जैसा कि आप देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार का इंटरफेस जो है आपको देखने को मिल जाएगा इस गेम में। तो ये गेम काफ़ी एक तरीके से कह सकते हैं एक रनिंग गेम है। इसमें आपको जो बॉल है उसको स्वाइप अप जेस्चर्स की मदद से जो है वो आगे तक ले जाना होता है। इसमें आपको चेक पॉइंट्स भी देखने को मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है, और आप अपनी गेम में ईजिली जो है वो आगे जा सकते हैं, बढ़ सकते हैं। तो जो बात करते हैं, तो जैसे आप इसको गेम को खेलेंगे और आप इसमें लेवल्स जो है वो क्लियर करते जाएंगे, तो उसमें आपको कुछ बोनस पॉइंट्स भी मिल जाएंगे। और आप यहाँ पे जो है डिफरेंट लेवल्स की जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो भी आपका बढ़ता जाएगा। तो बात करते हैं इसकी ग्राफिक्स की। इसकी ग्राफिक्स काफ़ी बढ़िया है इतनी छोटी गेम के हिसाब से। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो इस प्रकार से बॉल को बैलेंस करके जो है मेरे को क्रॉस करवाना होगा। अगर आपकी जो बॉल है वो नीचे गिर जाएगी तो गेम में जो है वो ओवर हो जाएगी। अगर आपके पास चेक पॉइंट पर आपने रजिस्टर किया है तो आप जो है वहीं से ही जो गेम को स्टार्ट कर सकते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट गेम के, जिसका नाम है बिग हंटर। तो इसमें बेसिकली आपको जो है, आपको एक अर्ली मैन होते हैं, उसमें जस्ट आपको क्या करना होता है कि आपकी इसकी स्टोरी कुछ इस प्रकार से है कि जो आपके गांव के लोग होते हैं उनको खाना वगैरह नहीं मिल रहा होता, तो इसलिए आप एनिमल्स को हंट करते हैं। तो इसमें जो है आपको मेन पॉइंट है, जो आपको एक भाला टाइप का जो एक वेपन है वो मिल जाता है। तो जस्ट मैं इसे स्टार्ट कर लेता हूँ गेम को आपको इसी ग्राफिक्स दिखाने के लिए। तो यहाँ पर जो है इसकी स्टोरी लिखी हुई आ रही है। तो जस्ट आपको क्या करना है, अगर आप टैप करेंगे तो जो करेक्टर है आपका बैकवर्ड मूव करेगा, और अगर आप जो है उसका वो भाला को अगर आप जो है बैक करके जो है वो उसे एम करके अगर आप इस पे सिर पे मारते हैं तो आपको 30 पॉइंट्स मिलेंगे। अगर आप किसी और बॉडी पार्ट पे लगाते हैं तो उसके आपको 10 पॉइंट्स मिलेंगे। और जो आप देख सकते हैं टॉप राइट कॉर्नर में आपको हेल्थ एलिफेंट की दिख रही है, जो कि काफ़ी बढ़िया है। ये गेम भी मुझे काफ़ी पसंद आई, काफ़ी मिनिमलिस्टिक सी गेम है। तो आशा है आपको ये गेम भी पसंद आई। जैसे जैसे आप आगे जाते जाएंगे तो आपके एलिफेंट की जो लाइफ है वो बढ़ती जाएगी और आपकी गेम थोड़ी सी टिपिकल होती जाएगी। तो इसमें आपको और भी करेक्टर्स काफ़ी सारे मिल जाते हैं एलिफेंट की जगह। तो अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट गेम की ओर। इसका नाम है बाउंस। तो जैसा कि हम जानते हैं, नोकिया के फ़ोन्स में पहले बहुत अच्छी गेम आती थी, और आप सभी में से मेरे को लगता है कि सभी को ही ये गेम खेली होगी और सभी को ये पसंद होगी। तो ये गेम जो है वो बिल्कुल सेम है, कोई इसमें चेंजेस नहीं किए गए हैं। इसमें आपको लेफ्ट साइड में जॉयस्टिक कंट्रोल्स मिल जाते हैं, तो उससे जस्ट आप जो है वो उसे जंप करवा सकते हैं और जो है इसे मूव फॉरवर्ड बैकवर्ड करवा सकते हैं। जब रूल्स बिल्कुल सेम रहेंगे तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं, जो ये यहाँ पे कुछ भी इसमें हर्डल्स आपको देखने को मिल जाते हैं। जब इन हर्डल्स से आप टच कर देंगे तो आपकी गेम जो है वो ओवर हो जाएगी। तो इसमें भी काफ़ी अच्छे अच्छे लेवल्स आपको देखने को मिल जाते हैं, और ये सभी की एक ना एक टाइम तो फेवरेट गेम ज़रूर रही होगी, मेरे को इतना तो पक्का पता है। तो अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट गेम की ओर, जिसका नाम है नोवा एल। तो जो मेन फीचर मेरे को इस गेम का लगा, ये बेसिकली एक शूटिंग गेम है, काफ़ी फर्स्ट पर्सन शूटिंग गेम है ये। और बेसिकली इसका जो साइज़ है वो जस्ट 27 MB, काफ़ी छोटे साइज़ में गेम है, और आपको इससे बढ़िया ग्राफिक्स किसी भी इतने साइज़ के गेम में नहीं मिल सकते, ये मेरी गारंटी है। तो हम जैसे इस गेम को स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको जो है वो कंट्रोल्स आपकी स्क्रीन पे ही मिल जाएंगे। जब आप टैप करेंगे तो आपको कंट्रोल्स जो है वो दिखने को मिल जाएंगे। अगर आप राइट फिंगर से स्वाइप करते हैं तो आप जो है कहीं भी जो है इसे एम कर सकते हैं, और जो अगर आप लेफ्ट साइड से स्वाइप करेंगे तो ये जो है वो मूव करना स्टार्ट कर देगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसकी ग्राफिक्स काफ़ी बढ़िया है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बिल्कुल रियलिस्टिक सी गेम लग रही है ये। और जो इसकी मेरे को स्टाइल भी बहुत पसंद आया, इसके जो ड्रॉर्स हैं वो भी काफ़ी बढ़िया हैं, और इसके जो करेक्टर्स हैं वो भी काफ़ी बढ़िया हैं। यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट वेपन्स मिल जाते हैं। तो जैसे जैसे आप इस गेम में आगे जाते जाएंगे, जो इसकी डिफ़िकल्टी लेवल है वो जनरल सी बात है वो इंक्रीज़ होता जाएगा। और ये काफ़ी टेक्नोलॉजी टाइप की गेम है, जिसमें आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे आपको डोर्स वगैरह मिल जाते हैं इसमें देखने के लिए, जो कि काफ़ी अच्छे लगते हैं। इस साइज़ की गेम से हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे, बट फिर भी ये काफ़ी बढ़िया है। तो यहाँ पे जस्ट आपको क्या करना है, अपनी जो एनिमीज हैं उनको किल करते जाना है। जितने आप एनिमीज़ को किल करेंगे उसके बाद आपको जो है इस गेम में आगे बढ़ते जाना है जो आफ्टर। तो अब हम बढ़ते हैं अपनी लास्ट बट नॉट द लिस्ट गेम, जिसका नाम है स्काई डांसर। तो आपने ये गेम कभी मेरे को नहीं लगता सुनी भी होगी, क्योंकि काफ़ी बढ़िया गेम है। इसमें आपको जो है एक निंजा मिल जाते हैं। तो इसमें आपको जस्ट क्या करना होता है, एक एंडलेस रनिंग गेम है ये, बिल्कुल टेम्पल रन की तरह।
तो इसमें जो है ग्राफिक्स काफ़ी बढ़िया मिल जाते हैं। और जो इसका एक मेरे को फीचर और लगा वो ये लगा कि आपको जो है यहाँ पे सिंपली एक ही वे पे जो है वो रन नहीं करना होता, इसमें जो आपको जंप लेके जो है वो डिफरेंट डिफरेंट उसमें जाना होता है। आप क्वाइंस भी यहाँ पे कलेक्ट कर सकते हैं जिससे आप अपने करेक्टर को जो है वो अच्छे क्वालिटीज़ दे सकते हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ सरप्राइजेस भी मिल जाते हैं, तो जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। तो आशा है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मैं सुधांशु मिलता हूँ नई और एक्साइटिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।